रण, एक सॉल्ट मार्श जो फैला है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। सॉल्ट मार्श एक इकोसिस्टम है जो जमीन और ओपन सॉल्ट वाटर के बीच बनता है। ऐसी जगह पर जहां रेगुलर टाइड्स का पानी इकट्ठा होता रहता है। सॉल्ट मार्श और हिंदी में रण या खार के बनने के लिए जरूरी है समुद्र के समानांतर एक खुला मैदान और बहुत सारा समुद्र का खारा पानी जो रन ऑफ कच्छ में आता है मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ से। ये वो बाढ़ ही है जिसकी वजह से रन ऑफ कच्छ के मैदानों में इतनी सारी सफेद बर्फ जैसी दिखने वाली सफेद नमक वहां इकट्ठी हो जाती है। रन ऑफ कच्छ ग्रेट रन और लिटिल रन ऑफ कच्छ में डिवाइडेड है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, तो वहीं सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। रण ऑफ कच्छ का इतिहास 3500 ईसा पूर्व से शुरू होकर इंडस वैली, मौर्यों और गुप्त काल से जुड़ा है। इंडस वैली के लोग 3500 ईसा पूर्व रण ऑफ कच्छ में आकर बस गए थे। धौलावीरा में आज भी इस सभ्यता के अवशेष देखे जा सकते हैं। नमक के इस रेगिस्तान में चलने पर आपको वैसी ही आवाज का अनुभव होगा जैसे सफेद बर्फ के ऊपर चलने पर होता है। मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और ये है गुजरात सीरीज का एपिसोड नंबर 4, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे हम पहुंचे व्हाइट डेजर्ट और कैसा है रण उत्सव का नजारा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम बिना किसी प्लान के भुज के होटल से निकलकर पहुंचे कालो डूंगर या ब्लैक हिल, और कालो डूंगर में देखने के लिए कौन कौन सी जगह है। स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे बने आई के निशान पर क्लिक करके आप इन एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से दौड़ो टेंट सिटी तक की दूरी है 31 किलोमीटर, और जाने के लिए लोकल पिकअप या लोकल टैक्सी भुज की तरफ जाने वाली रोड पर करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित टैक्सी स्टैंड से मिल जाएगी। लेकिन हमें इस बारे में कोई जानकारी ना थी, तो हमने मदद ली पुलिस चौकी में बैठे एक पुलिस ऑफिसर से। हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमें एक टूरिस्ट बस में बिठा दिया और हम चल पड़े धौरडो में बनी टेंट सिटी की तरफ। गेट बना है एंट्री में, ये परमानेंट गेट है, हमेशा रहता है। ना ना ना, इसमें सब होगा तो पानी
पूरे 40 मिनट में 30 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंचे रणोत्सव के टेंट सिटी की पार्किंग में। पहुंच गए हम लोग वाइट रन, ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम क्रॉस करके पहुंचेंगे वाइट रन की तरफ, वाइट डेजर्ट कह सकते हैं। ये है एंट्री, देखिए किस तरह से किया गया है डेकोरेट, स्टैचू ऑफ यूनिटी कुछ नया है, एक बार जाके देखना बनता है क्या है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है तो हमारे देश का गौरव, किसी तो लिस्ट में हमें नंबर वन पर ला कर खड़ा कर दिया इसने। लेकिन जिस तरह की बातें हमारे यहाँ हमेशा से होती रहती है, वो अभी भी हैं, अच्छी चीज़ तो बनाई है लेकिन उसमें भी लूच लोग बुराई तो ढूंढते ही हैं। 3,600 करोड़ रुपए पैसा क्यों खर्च किया गया? सरदार सरोवर डैम मुझे मालूम नहीं था, 40,000 क्यूसेस वाटर के कैपेसिटी वाला डैम है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल नेटवर्क को बनाता है जिसमें हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ से 4.5 किलोमीटर चल के हमें पहुँचना था व्यू पॉइंट एंड वाइट डेजर्ट, लेकिन उससे पहले टेंट सिटी में शॉपिंग स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स एंड बहुत सारी झांकियां देखने को मिल गई। लीजिए आप भी देखिए। एक शानदार एक्सपीरियंस के बाद पहुंच चुके हैं रन ऑफ कच्छ वाइट डेजर्ट में, और ये वो जगह है जो बनाया गया है यहाँ के लोगों के लिए। ये फूड कोर्ट की तरह है जहाँ मैं भी बैठा हूँ, और यहाँ पर अमूल और डोमिनोज के स्टॉल्स हैं, इसी तरह से कुछ और ब्रांड के स्टॉल्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो लोग आ रहे हैं और खाना वगैरह खा रहे हैं। पावर्ड पैराग्लाइडिंग का मतलब है कि आप ग्लाइड करेंगे लेकिन मोटर्ड वाला होगा, उसके पीछे आपको एक कार्ट है, उस पर आप बैठ जाएंगे ऊपर, वो कार्ट जब दौड़ेगी तो ग्लाइडर आपको हवा में ले जाएगा। तो 2500 रुपीज़ दे आर चार्जिंग फॉर अ राइड ऑफ 4 मिनट, सफिशेंट है। 2500 रुपये का रेट भी ठीक है जैन, और इसी एरिया में आपको ग्लाइड कराया जाता है। आप एक देख भी सकते हैं, मैं ऊपर उड़ते हुए देख रहा हूँ एक ग्लाइड को, तो वो ग्लाइडिंग पावर्ड पैराग्लाइडिंग है, उसमें बड़ा पक्का पीछे घूमता है, आगे काट है, उस पर आप बैठ जाते हैं विद पायलट एंड वो आपको फ्लाई करते हैं। तो ये आपको वहाँ ले जाएंगे, फ्लाई कराएंगे और वापस। अच्छा लग रहा है देखने में, हाइट अच्छी है और 4 मिनट की राइड बुरी नहीं है मेरे हिसाब से। इसी तरह से जो कार्ट आपको नज़र आ रही है फोर व्हील वाला, इस कार्ट का जो चार्ज है 500 रुपीज़, दे हैव मेड अ ट्रैक 1 किलोमीटर, सो 1 राउंड ऑफ द ट्रैक इज कॉस्टिंग 500 रुपीज़। अच्छा है, एक्सपीरियंस लेना तो बनता है जगह आप आए। शानदार चीज़ नज़र आई है, स्पेशल गुजराती थाली अनलिमिटेड 100 रुपीज़ में लिखा है, कौन ट्राई नहीं करना चाहेगा? आज लगता है डिनर का यही अरेंजमेंट है। आज का दिन गुजरातियों के नाम है, ऐसा लगता है हर कदम पर हर जगह जिस तरह के लोग आपकी मदद के लिए आगे आते हैं ये कमाल का है। जिनकी बाइक पर मैं बैठा हूँ इनका नाम अहमद है और इन्होंने खुद मुझे बाइक रोककर लिफ्ट ऑफर की और 4 किलोमीटर सिर्फ मुझे ड्रॉप करने के लिए गए। यही नहीं, एक और राउंड लगाया, नीलेमा को भी ड्रॉप किया। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। आपके नाम के अहमद अहमद, आप नेट यूज करते हैं ना? मेरा यूट्यूब पे चैनल है, ये आपको वीडियो अपना वहाँ देखने को मिलेगा, आपने मेरी बदली की है, ये मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। नाम क्या बताया आपने? अहमद 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 अमित नाम मेरा, अमित अहमद। हाँ बस अक्सर इतने अलग नहीं है, सेम ही है, अहमद अमित। ठीक है, थैंक यू। अच्छे लोग होते हैं, मिल जाते हैं, यहाँ तक लिफ्ट दे दी, थैंक यू अहमद। लीजिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों की हेल्प और उनकी सपोर्ट के साथ मैं किस वक्त खड़ा हूँ वाइट रन में या वाइट डेजर्ट में। ये है खूबसूरत नज़ारा मेरे आसपास का, सन इस तरफ है, मैं यहाँ, और ये सिल्वर की तरह चमकता हुआ पूरा ग्राउंड आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती लिए हुए है।
कितनी भीड़ है इस वक्त, शाम के 5:15 का टाइम है, लेकिन गर्मी काफ़ी है इस वक्त भी। और ये नज़ारे वाकई खूबसूरत हैं, मन लुभावने हैं। ज़रूर आइए और चलिए मेरे साथ कुछ कदम इस सफ़ेद रन पर, वाइट रन पर चलते हुए आपके कदम हैं कि मानो ना रुकने की ठान चुके हों और चलते चलते सारा रण कदमों से माप लेना चाहते हो। पांव के चलने की आवाज मानो खुद से कहती हो, थोड़ा और देख लो, थोड़ा और चल लो, कोई हिस्सा कोई कोना छूट ना जाए। ये सफेद रंग है ही इतना खूबसूरत। कहते हैं वैसे तो हर रंग खूबसूरत होता है, लेकिन सफेद रंग में जो खूबसूरती है वो और कहां। यकीन ना हो तो एक बार व्हाइट रण ऑफ कच्छ में आकर देख लो, यकीन करने लगोगे। देखिए मुझे कितना बड़ा बैग लेकर सन के साथ यहाँ वॉक और चहलकदमी करते हुए खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं भीड़ को छोड़कर थोड़ा दूर निकल आया हूँ, इस वक्त दुनिया ही अलग है। है ना शानदार, तो खूबसूरत। चल चल कर भूख लगाई तो सोचा कुछ खा लिया जाए। ये लड़कियां कोई नहीं जान पाया कि इन्हें चाहिए क्या, ये कभी खुश नहीं हो सकती। और मुझे नीलिमा को सताने में तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है। तुमने वीडियो भी सेट किया हुआ? चलो अब करो, फोटो भी कर दिया सर मैंने, वीडियो पे था। क्यों ले रहा है कुत्ता? दौड़ो दौड़ो। नहीं यार बैकग्राउंड के लिए नहीं, आप अब हुआ अब हुआ नहीं, अच्छा है नहीं, यू रन दैट साइड नहीं अच्छा है, ट्रस्ट मी। तुम कितना मैं बुलाओगे मुझे, कुछ काम का तो गया नहीं। चलो अब करो, तुम्हें थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, दुपट्टा उड़ नहीं रहा, लटक रहा है। सूरज डूब चुका है, वक्त हो चला है वापसी का, ना ये मालूम कि कहां जाना है और कहां रुकेंगे रात में। लेकिन हम दो आजाद परिंदे तो बस इन लम्हों को पूरा जी लेना चाहते थे। क्या खाया, कहां रुके रात में और कैसे पहुंचे ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके एंट्री गेट तक, वो भी रात के 10 बजे, देखिए अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही।
आपको गुजरात सीरीज और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक ऑन कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया।